मेरी आशा बहन लोग ये यानी कि 12 जुलाई से आप लोग जो है स्ट्राइक कर रहे हैं। आप सोचिए कि पिछले 4-5-8-10 दिन से ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं और ना जाने इन लोगों का स्ट्राइक जो है अनिश्चित काल तक है, यानी कि कब तक चलेगा ये नहीं पता है। जब तक इन लोगों की मांगे नहीं पूरी की जाएगी तब तक इन लोगों का जो है चलेगा स्ट्राइक। अच्छा ये बताइए क्यों हड़ताल आप लोग है आखिरकार? अपने 900 के लिए मांग पूरी करने के लिए। अच्छा आप लोगों का क्या मांग है आखिरकार सरकार से? 10,000 सर रुपए हमारा, हम लोग का मांग ही है कि सर 1,000 मानदेय दिया गया था लेकिन उसको बदल के प्रोत्साहित राशन बदल दिया, लेकिन हम लोग आशा पर लगाए हुए हैं कि अब काम जिस अनुसार से दिया जा रहा है उस अनुसार से हम लोग का मानदेय नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब जिस समय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी थे उन लोगों ने इन लोगों के लिए जो है मानदेय इकट्ठा किया था कि 1,000 रुपया पर मंथ इन लोगों को दिया जाएगा, और वो ना जाने ये लोग 14-15 महीने तक इनके लिए काम किया, 15वें महीने इन लोगों को पता चला कि वो मानदेय की जगह जो है वहां पर प्रोत्साहन राशि लिख दिया गया है। अब आप सोचिए कि ठीक है मान लेते हैं कि आपने प्रोत्साहन राशि लिख दिया, लेकिन जो वो 14 महीने का जो इन लोगों ने मेहनत किया उनका पैसा इन लोगों को आज तक नहीं मिला। मिला आप लोगों को नहीं, पैसा? नहीं, पैसा नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। नहीं, इसके के लिए जब पैसा आया, आया होगा तभी ना फैसिलिटेटर दीदी हम लोगों से कागज मांगी। अच्छा। हम लोगों से सारी आशा से आधार कार्ड का जीरोक्स कॉपी, खाता का जीरोक्स कॉपी और फोटो आप लोगों से लिया, सारे काम का ब्यौरा 14 महीना का फिर से ऊपर करके दिए हम लोग की। आप लोग ने इतना दिन में क्या क्या किया, 14 महीना का काम हम लोग का छोटा मोटा काम का ब्यौरा भी खोजा जाता है, और किसी तरह का पेमेंट आप लोगों ने दिया पूरा ब्यौरा जी दिया, लेकिन आप लोगों को पैसा आज तक पैसा नहीं मिला। तो अब आप सोचिए कि इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पैसा कहीं ना कहीं आया तो जरूर है, फिर आया तो इन लोगों को मिला क्यों नहीं, तो इन लोग इन सब चीजों पे जांच क्यों नहीं होता है आखिरकार? ये लोग फ्री में कब तक काम करती रहेंगी? अच्छा आप लोगों को महीना कितना मिलता है? 1 रुपया भी कितना महीना मिलता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक रुपया नहीं, एक रुपया भी नहीं। तो आप लोग काम किस आधार पर करते हैं फिर? ऐसे प्रोत्साहन राशि क्या दिया जाता है? 2 रुपया मिलता है उसी पे घर चल जाता है? नहीं चलता है, नहीं कुछ नहीं। अच्छा, उसमें क्या तो फिर आप वही प्रोत्साहन राशि मिलता है सर, जैसे कोई डिलीवरी में आया तो उसको 7-9 महीना उसको स्वीकृति प्रतिशत करके उसको डिलीवरी कराए, साथ में आए, डिलीवरी कराने के बाद 300 रुपया मिलता है बीसीजी दिलाने पर। हाँ। उसके बाद मान लीजिए हम लोग का तबियत क्या, हम भी तो आदमी है, कोई पत्थर तो नहीं है, हम लोगों का भी तबियत खराब हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मान लीजिए किसी दिन तबियत खराब हो गया, नहीं आ सके रात में, सुबह में आते हैं, नाम नहीं चढ़ेगा रात में क्यों नहीं आई, जबकि खुद मेरा तबियत खराब था बोल रहे थे। आपकी मजबूरी को नहीं जाना जाता है। मतलब ये जो है घर घर जाकर लोगों की मजबूरी जानेंगे लेकिन इनकी मजबूरी जानने वाला कोई नहीं होगा। अगर इन लोगों का भी, इन लोगों को शरीर है, इन लोग का भी जो अगर कभी बीमार हो जाए तो फिर भी इन लोगों को आकर ड्यूटी देना है, चाहे इनके अलावा बाकी आखिर। अच्छा बताइए आप ही लोगों पे इस प्रकार का नियम क्यों दिया जाता है कि आप लोगों को 1,00,000 रुपया महीना दिया जाता है? शुरू से हम लोगों को इस तरह से मतलब कहता है ना कि नशे की आदि बनाया जाता है धीरे धीरे, वही इस नशे का आदि ऐसे हम लोग को धीरे धीरे घुसेड़ करके बना दिया समाज में कि हम उस समाज के ऐसे अंग बन चुके हैं जो कि साइड लेने में भी टाइम लगेगा। अच्छा आप लोग बताइए आखिरकार आप लोगों को 1 भी रुपया नहीं दिया जाता है तो आप लोग काम आखिरकार करते हैं तो घर कैसे चलता है आप लोगों का? आपको बहाल किया गया है पेमेंट दे करके, नहीं धमकी दिया जाता है कि आपको पेमेंट पे थोड़ी बहाली किया गया है। कौन धमकी देता है? जो भी काम करवाएगा वही धमकी दे देता है कि आप ये काम कीजिए ना तो आपको हटा दिया जाएगा, स्पष्टीकरण लिख करके दीजिए, चयन मुक्त कर दिया जाएगा, पैसा इसका मिले भाई नहीं मिले, ये काम आपको करना है, करना है, इतना ऑपरेशन कराना है, कोटा है, इतना डिलीवरी कराना है, टारगेट दिया जाता है। मान लीजिए क्षेत्र में डिलीवरी किसी कारण बस नहीं हुआ, प्राइवेट चल गया, ये हुआ वो ऑपरेशन नहीं करा सके, नहीं हुआ किसी को घर में हो गया, उस समय भी पैसा कटता है, उसके बाद 4 काम नहीं पूरा हो पाता है, पारितोषित भी खत्म हो जाता है 1,000। अच्छा एक बात बताइए कि इन लोगों को जो है 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है, सोचिए कि ये लोग काम आखिरकार कैसे करेंगी और किस आधार पर ये लोग काम करेंगे? इन लोगों को जब इनका पैसा ही नहीं दिया जाएगा तो ये लोग काम आखिरकार फ्री में कब तक करते रहेंगे? कब तक आप लोग कर रहे हैं? पिछले कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे हैं? 17-18 साल हो गया, हम लोग की बहाली 5 में हुई है।
तो तब से जिसमें बहाली आप लोगों का हुआ था उस प्रकार से आप लोगों उस समय आप लोगों को महीना क्या मिलता था? कुछ नहीं, उसमें भी कुछ नहीं, बहाली ही हुआ था कि आप लोगों की को समाज की सेवा करनी होगी, एक भी पैसा आप लोगों को नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा मैंने आने जाने का भत्ता नाश्ता पानी का बस इतने सारे काम के लिए ही हम लोगों को बताया गया था उसमें। हाँ 15 महीने के लिए आपकी बहाली हो रही है, आगे आपको मुखिया और प्रभारी या डॉक्टर से मिल करके हटाया भी जा सकता है, तो आज तक हटा भी दिए रहते ना, तो आप लोग शायद दूसरा काम कर लिए होते, कर लिए रहते अगर हटा दिए रहते तो हटाए क्यों नहीं। आज अब हम लोग इस उम्र में कहाँ जाएंगे, कौन सा काम मिलेगा, उम्र के हर उस स्थिति को हर उस पड़ाव को पार कर गए हैं कि कहीं भी कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। अब आप सोचिए कि काम करते करते इन्होंने अपना पूरा समय निकाल दिया, अब ना तो इन लोगों को सैलरी दी जा रही है और ना अब जब सैलरी नहीं दी जा रही है तो हम इन लोगों से कैसे पूछ सकते हैं कि क्या आप लोगों को पेंशन भी मिलेगा, ये तो खैर मूर्खों वाली बात हो जाएगी। इन लोगों को सैलरी तक नहीं दिया जाता है, लेकिन वही अगर 5 साल और 10 साल के लिए कोई विधायक या सांसद चुनकर आते हैं तो उन लोगों को सैलरी दिया जाता है, उन लोगों को आजीवन पेंशन दिया जाता है, जबकि जानते हैं कि ये 5 साल अगर सांसद रहेंगे तो 50 को घोटाला करेंगे, अगर कोई विधायक रहेगा तो 25 को घोटाला करेगा और ना जाने कितने लोगों कितने चीजों का पैसा वो खा जाएंगे, लेकिन अगर यही लोग पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं तो इन लोगों को 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है, तो इन लोगों की आखिरकार क्या वजूद रह गई, इन लोगों की क्या वैल्यू रह गई, आप लोगों की क्या वैल्यू रह गई फिर बिहार सरकार के नजर में? का मतलब है कि ये लोग 8वां पास हम लोग बाहर किए हैं इक्का दुक्का काम के लिए, लेकिन अभी देखिए अभी के टाइम में कितना काम ले रहा है, MBA का भी काम नहीं कर पाएगा, खो लिखना नहीं जानती है, उसको 30,000 रुपया सैलरी है और टीचर से अच्छा हम लोग काम करते हैं जो हम लोग को 1 रुपया नहीं दिया जाता, 1 रुपया भी नहीं दिया जाता। लेकिन इस बार भी सरकार कान खोल के सुने की जब तक हम लोग को सरकारी घोषित नहीं करेंगे, जब तक 10,000 रुपया मानदेय नहीं करेंगे, हम लोग का हड़ताल कभी नहीं टूटेगा। दूसरा बहाली जो भी है, टीबी खसरा जितना तरह की बीमारी है, काला ज्वार हो, डेंगू हो, ये हो, कोरोना कोरोना सब में हम लोग। अच्छा आप लोगों ने कोरोना में भी जो है पूरा कोविड में आप लोगों ने काम किया था, घर घर जाकर आप लोगों ने, इसके एवज में आप लोगों को कुछ मिला था? कुछ नहीं मिला। सुना जाए जिस समय की कोरोना काल में हम लोग को खटाया गया, ट्रेनिंग दी गई, मीटिंग लिया गया, उस समय बोला गया था कि आप लोगों को 10,000 रुपया दिया जाएगा, तो 2 महीना 2.5 महीना लगभग हम लोग कोरोना में काम किए, उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर पे काम लिया गया, सबका पैसा मिला, सबका पैसा आया, हम लोग का पैसा कहाँ चला गया, हम लोग का पैसा आज तक कहीं किसी तरह का कोई चर्चा नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं, किसी भी तरह का चले। आज यहाँ 12 तारीख से लगभग हम लोग बैठे हैं, कहीं कभी कोई पदाधिकारी अधिकारी आज तक ये पूछने तक नहीं आए कि हम लोग यहाँ क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है, क्यों हड़ताल हो रहा है, कोई मिलने नहीं, कोई मिलने नहीं आया। कि ये लोग इतने साल से लगातार जो है वो भी 2 दिन प्रशासन आए, वो भी बोल के गए कि आप लोग मारपीट लड़ाई झगड़ा ना कीजिए, अपनी हक की लड़ाई सब कोई लड़ता है, बाकी बात कहीं कोई नहीं आया आज तक। प्रशासन आप लोगों को ऐसा क्यों बोल के गए कि आप लोग गोली बंदूक लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, वो आए थे देखने के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों बंदी कर रहे हैं, उनको बताए, वो भी हमारी मजबूरी को समझे। अच्छा। वो भी हमारी मजबूरी को समझे कि नहीं दीदी ठीक है, हमारे ऊपर भी तो दबाव है, हमको भी सूचना देना पड़ता है, फिर हमारी बात ना मानिएगा तो BDO सर आएंगे, CO सर, बोले जो सर आएंगे उन्हीं को बुलाइए, हम तो चाहते हैं कोई सर तो आइए पहले कि हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि स्वास्थ्य मंत्री जो भी के हैं प्रेजेंट में, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, उनसे कहना यही चाहते हैं कि यदि आप स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, आप तो बैठे बैठे वहां से फरमान जारी कर रहे हो, कभी एक दो उस फरमान को पूरा करके देखो कि क्या मेहनत पड़ता है। हम लोग को 8वां पास बहाली की हो, BA पास का फॉर्मेट जारी करते हो, एक फॉर्मेट को अगर एक फॉर्मेट फिल करने में हमको 5 रुपया मिलता है तो वो एक फॉर्मेट मिलता है ऑफिस से, उसको जीरोक्स करवाने में 10 रुपया पार हो जाता है, हमको क्या बचता है? उस फॉर्मेट को भरने के लिए यदि हमको नहीं आता है, हम किसी और की मदद लेते हैं तो उसमें आधा आधा जो पैसा हमको मिलेगा 100, 200, 500 शेयर करना पड़ता है, जो हमारा काम करेगी, क्या वो फ्री में तो हमारा काम नहीं करेगी? मतलब कहीं ना कहीं जो है तमाम चीजों को देखते हुए लगता है कि जो है आखिरकार इन लोगों की बातों को सुना क्यों नहीं जा रहा है, इन लोगों को बार बार अनदेखा क्यों किया जा रहा है? अगर ये लोग 1 महीना लोगों को अनदेखा कर देंगे तो शायद यही अस्पताल का जो है अस्तित्व गिर जाएगा, ये मैं लिखित के दावे के एक महीना को
कौन के अभी 12 तारीख से लेकर आज तक का बतावे कि हम लोग अगर अनदेखा कर दिए क्षेत्र को तो क्या रिपोर्ट जा रही है सरकार के पास, क्या हो रहा है, कहां गई आज आंकड़ा? आज उन वो आंकड़ा नहीं खोज रहे हैं, किसके बदौलत आपका आंकड़ा ऊपर से ऊपर जा रहा है? हमारी बदौलत आज कहां गई आपकी आंकड़ा? सरकार एक नजर घुमा के आज कहां गई आपकी आंकड़ा? 17 साल पहले क्या हॉस्पिटल इसी तरह था, लेकिन जब से हम लोग हुए ओपीडी भी हम लोग के बल पर चल रहा था, भुगता था इस हॉस्पिटल में एक आदमी का यहाँ दरेस नहीं था, क्या यहाँ प्रसव होता था, ऑपरेशन होता था, एक डॉक्टर एक एनएम दीदी यहाँ पे थे, भरा हुआ रहता है, बार बार बुलाना पड़ता है, नहीं आता फिर जाते हैं उसको बुलाने के लिए, उसको कहते हैं समझाते हैं बुझाते हैं तो आता है, इसी तरह से नहीं हम लोग टीकाकरण करवाते हैं, उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। चीज में किसी भी प्रकार का काम हो इन लोगों को सबसे पहले आगे किया जाता है, लेकिन जब इन लोगों को पैसे देने की बात आती है, पैसे देने की बारी आती है, वो भी जो भी इनके मेहनत का है, तो इन लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ अनदेखा किया जाता है, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है बरगलाया जाता है। आप सोचिए कि 14 महीने का इन लोगों को दहाड़ी नहीं दिया गया है, क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को बरगलाया गया है, और जब इन लोगों ने सारा चीज प्रूफ इकट्ठा करके दिया भी था, इनसे मांगा भी गया था कि आपके पैसे शायद दिए जाएंगे, आखिरकार आप लोगों से क्यों प्रूफ लिया गया था? इसीलिए लिया गया होगा ना कि आप लोगों को पैसा दिया जाएगा, पैसा नहीं मिला, एक रुपया नहीं मिला, लेकिन पैसा नहीं मिला, पैसा कहाँ चल गया हम लोग का? अच्छा आप लोग सोचिए, आता है तो आशा दीदी को ही वहाँ पे फॉर्मेशन जाता है कि आज ट्रेनिंग है, आज मीटिंग है, आइए ये काम करना होगा, आशा दीदी बोलते हैं कि इसमें क्या पैसा है, क्या प्रोत्साहन, बोलते हैं प्रोत्साहन कुछ नहीं है, आप जुटे हैं तो काम करना होगा, काम करना होगा। अब आप सोचिए कि इन लोगों को हर एक जगह पर काम करना पड़ता है, आप सोचिए कि ये लोग डिलीवरी करवाने भी आते हैं तो इन लोगों को रहने के लिए एक दिन स्टे करने के लिए नहीं है, आप लोग कहाँ रहकर स्टे करते हैं? ऐसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? इधर उधर घूम के कहाँ रहेंगे? घूमते हुए कभी इधर नहीं, कहीं नहीं जगह है, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। कुछ आप लोग का क्या मांग है? जो मांगे 10,000 हम लोग का मांग है, और हम लोग का सरकारी घोषित किया जाए, और इस बार नहीं सुनेंगे, हम लोग का हड़ताल नहीं टूटेगा, हड़ताल नहीं टूटे, नहीं हड़ताल नहीं टूटे, तब तक नहीं टूटे। अच्छा आप लोग एक बार और हड़ताल किए थे शायद? हाँ, एक बार नहीं, ये तीसरा बार हड़ताल है। अच्छा, तो उस समय हड़ताल आप लोगों को बरगला के तोड़वाया गया? उस समय वही मंगल पांडे जी थे स्वास्थ्य मंत्री जी, जो कि बरगलाए वही ना कि 1,000 रुपया मानदेय कह करके उन्होंने हड़ताल को तोड़वाया, और उसको 14 महीना तक उस मानदेय पे चला, 15वां महीना में उस मानदेय को मानदेय शब्द को हटा करके प्रोत्साहन में बदल दिया गया, और उस प्रोत्साहन राशि को भी सशर्त जोड़ा गया कि 6 काम में 4 काम यदि पूर्ण होगा तो 1,000 रुपया मिलेगा, नहीं तो किसी कारण से किसी महीना में अगर 1 काम खत्म हो जाता है तो वो 1,000 रुपया राज्य राशि खत्म हो गई। अच्छा, वो पैसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल एक पैसा नहीं। आप लोगों ने 6 के जगह टारगेट 4 पूरा भी किया होगा, बहुत बार जी किया है, आप लोगों को पैसा नहीं दिया गया? नहीं, वो पैसा मिल जाता है, वो पैसा वो टारगेट जब पूरा होता है तभी मिलता है, अगर एक टारगेट ना पूरे तो वो पैसा खत्म हो जाता है ना, स्वनी पे जो रोड हो रहा है तब से पैसा मिल रहा है, तब से हाथ लग रहा है। अच्छा, आप लोग एक और चीज जानना है कि अगर आप लोगों का टारगेट बाय चांस पूरा ना हो, एक दो रह जाए तो पैसा मिलता है? नहीं मिलेगा, कभी नहीं, किसी भी आशा को नहीं मिलता है, कहीं भी ऑल बिहार कहीं नहीं मिलता है। बेशक आप लोग दिन भर मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहे दिन भर की 24 घंटा, हम लोग का टाइम टेबल किसी चीज का बंधा हुआ नहीं है, कब किस चीज का कॉल आ जाएगा कहना मुश्किल है, मुश्किल है, और आप लोग निकल पड़ते हैं अपने काम करने के लिए। जी जी, सभी को जानकारी है, जहाँ तक मेरा हिसाब है, मेरी जानकारी में सबों को जानकारी है कि हम लोग का कोई भी कम टाइम टेबल पे नहीं होता है। महामारी में हम लोग को नहीं छोड़ा गया, आज यहाँ आइए, आज वहाँ जाइए, लोग कहता था कि इधर मत जाइए, लेकिन हम लोग को कहता था मरीज के पास जाइए, मतलब कह सकते हैं कि कोविड ऐसा भयानक बीमारी आया जिससे देश जो है लड़ने में काफी समय लगा दिए थे, पूरा देश का इकोनॉमी हिल गया था, उन समय में इन लोगों ने जो है अपने जान को जोखिम में डालकर घर घर जाकर देखते थे कि कौन से घर में कोविड का पेशेंट है, कौन सा आदमी जो है देश विदेश से आया है, तो उनको जाकर ये लोग चेक करते थे, दवाई देकर आते थे, और हर 7 दिन में 5 दिन में जाते थे उनके घर पर, प्रतिदिन जाते थे, प्रतिदिन एक फॉर्मेट मिलता था, जो बाहर से आए हुए आदमी रहते थे उनके घर पे स्लिप चिपकाया जाता था, उस स्लिप पर 14 दिन तक उसकी देख रेख हम लोग करते थे, प्रतिदिन जांच करते थे, आज वो कैसे हैं, आज वो कैसे हैं, डेट भरना पड़ता था, आज के दिन में हम वहाँ पर आए हैं। आप लोगों को डर नहीं लगता था कोरोना से? डर क्या लगेगा जब हमको उसी काम के लिए बहाली किया, कुछ पैसे की भी लोभ थी।
पैसा बोला गया था कि आप लोगों को पेमेंट दिया जाएगा, आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। मिला आप लोगों को पैसा? कुछ नहीं मिला। इंकलाब जिंदाबाद। 1000 में दम नहीं, 10000 से कम नहीं, 1000 में दम नहीं, 10000 से कम नहीं। अपनी मांगे कैसे लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। कैसे लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी, हाय हाय, नरेंद्र मोदी। भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इन लोगों को 20000 रुपया भी मेहनत दिया जाए तो वो भी कम पड़ेगा इन लोगों के मेहनत के आगे, क्योंकि अगर आप एक दिन आकर इनकी मेहनत को देख लीजिएगा कि जिस प्रकार से ये सुबह घर से निकलती हैं, इनको पता नहीं होता है कि शाम में हम घर पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे कब नहीं पहुंचेंगे, खाए हैं या फिर नहीं खाए हैं, पानी तक के लिए ये लोग जो है जो ललाहित हो जाते हैं, लेकिन ये लोग काम को कभी बाधित नहीं करते हैं। तो फिर इन लोगों के पैसे देने में इन लोगों को क्यों लटकाया जाता है, इन लोगों का मेहनत देने में इनको बरगलाया क्यों जाता है, और 1-2 हजार रुपया से आखिरकार क्या होने जाने वाला है? 1-2 हजार रुपया का तो 5 दिन में सब्जी तक नहीं आता है, वो भी कम पड़ जाता है, तो फिर ये लोग पूरा महीना कैसे चलाएंगे? कुछ लोग तो शायद इन्हीं चीजों पर आश्रित रहते हैं। और आप सोचिए कि इस प्रकार से कुंभ में आ गए हैं कि अगर घर में जाएंगे और कोई बच्चे ने अगर कोई डिमांड कर दिया कि आप हमारे लिए क्या लाए हैं, तो आप लोग क्या जवाब देते हैं? अगर कोई कहीं ना कहीं बच्चे तो जरूर कुछ ना कुछ मांगते होंगे। हम लोग नाराज हो जाते हैं, क्या बोलेंगे? पैसे नहीं था कैसे लेंगे? बेटा आज पैसे नहीं था, खामोश हम लोग चुप हो जाते हैं। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो हम देंगे क्या? बच्चे का एकदम से भला के रखा है। और सोचिए कि क्या बीत रही होगी उस बच्चे पर, और सोचिए कि उस माँ पर क्या बीतेगी जो कह रही है अपने बच्चे को कि हमारे पास भी पैसे नहीं है, हम कल ला देंगे परसों ला देंगे। अरे पिछले 17 साल से तो आप लोग बरगलाते ही आए हैं, तो आने वाले समय में तो कम से कम इन लोगों पर देख लीजिए, कम से कम इन लोगों के लिए कुछ तो रहम कीजिए। आखिरकार कब तक आप लोग इस प्रकार से खामोशी से देखते रहेंगे? कब तक ये लोग जो है अपनी जो है मांगे पूरी करने के लिए लड़ते रहेंगे और आप लोग सिर्फ और सिर्फ इनको इग्नोर कीजिएगा? आखिरकार कब तक इन लोगों के जो हक को आप लोग खाते रहिएगा? कहीं ना कहीं पैसा तो जरूर आता होगा, लेकिन हमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इसी हॉस्पिटल में अगर थोड़ा सा जांच करवा दिया जाए तो पता चलेगा कि वो 14 महीने का पैसा इन लोगों को आया तो जरूर होगा, लेकिन दिया नहीं गया होगा। और कहीं ना कहीं लोगों का पैसा भी काट लिया जाता होगा आप लोगों के काम के बीच में। बहुत पैसा कटता है, हर हर बिंदु पे पैसा हम लोग का कटता है, मैं काट लेता है पैसा, पैसा काट लेता, काट लेता है। अब सोचिए कि आखिरकार ये लोग क्या करें, जाए तो जाए कहाँ, किससे आवाज लगाए? आखिरकार यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं तो कोई देखने आए नहीं है, पटना जाएगा क्या पता, आप लोग लाठी चार्ज करवा दीजिएगा, कहाँ जाएंगे ये लोग भागे? आखिरकार तो लाठी खाने के लिए भी इस बार तैयार हैं, देखते हैं उनकी लाठी में दम है या हमारी आवाज में दम है। आप लोग तैयार हैं लड़ने? जी, लाठी खाने के लिए तैयार, बिल्कुल तैयार हैं। जिंदाबाद, 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 मरता क्या नहीं करता, इस बार क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब आप सोचिए कि शर्म आनी चाहिए आपको बिहार सरकार, अगर आप में थोड़ा सा भी शर्म बचा हुआ है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी, जी कि लोग आत्महत्या करने पे उतारू हो गई है मेरी आशा बहन लोग। ये सरकार ऐसे कगार पे हम लोगों को लाके खड़ा कर दिया है कि आत्महत्या करने के लिए लोग तैयार हो रही है, क्या कर सकती है आखिर? और सोचिए कि क्या करे ये लोग, ना घर के रह गए ना घाट के रह गए हैं, ना यहाँ से कुछ मिल पा रहा है, ना इस उम्र के पड़ाव में आ चुके हैं कि आगे भी शायद ही कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जो करने का था वो तो जिसमें करने का था वो तो उसमें आप लोगों ने इनको 24 घंटा दौड़ाने का काम किया है, 24 घंटा लोगों के घर जो है काम करने का, और ये लोग भी बिना कोई दिन छुट्टी लिया ये सारा दिन काम करते आई है, लेकिन इन लोगों के बारे में सुना नहीं गया है। मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी, अगर आपके आंखों में थोड़ा सा भी शर्म बचा हुआ है तो कम से कम एक बार जो है इन लोगों के भी जायजा लिया जाए कि आखिरकार ये लोग कैसे काम कर रही है। इन लोगों को अगर पैसा नहीं दिया जा रहा है तो ये लोग प्रतिदिन मेहनत कैसे कर रही है? 100 रुपया 50 रुपया 200 रुपया से क्या होने जाने वाला है? ये तो सिर्फ और सिर्फ किराए में चला जाएगा, तो फिर इन लोगों के पॉकेट में आखिरकार क्या बचेगा?